वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दीपगढ़ यूनिवर्सिटी की ए ग्रेड में ना हुआ इन्हें नाक की तरफ से या नेट की तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर PhD, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इनको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे जो कि है dibru.ac.in। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देखिए एडमिशन्स का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो DU RAT है, ठीक है, उसके बाद है एडमिशन 2023। तो आप उसके बाद एडमिशन पोर्टल भी देख सकते हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। एडमिशन को ओपन करेंगे तो इसमें देखिए सारे नोटिफिकेशंस हैं, राइट। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको PhD DU RAT का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो वेट, यस, सो ये वाला ऑप्शन है नोटिफिकेशन फॉर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी रिसर्च एडमिशन टेस्ट DU RAT 2023। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आप नोटिफिकेशन का ऑप्शन देख सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम नोटिफिकेशन देखते हैं। सो यस, ये है नोटिफिकेशन, 17 जुलाई डेटेड है DU RAT 2023 PhD एंट्रेंस के लिए है। कब होगा? तो फिलहाल इनकी डेट है 26 अगस्त 2023, 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक होगा, ठीक है। सब्जेक्ट्स की बात करें सो अप्लाइड जियोलॉजी, लाइफ साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बोदो, देन मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिजिकल एजुकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंड लास्ट 18th इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये सब्जेक्ट्स हैं। क्राइटेरिया 55% मार्क्स आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं मास्टर्स में, ऑब्वियसली। सो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। 5% का रिलैक्सेशन SC ST डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पे है अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं तो देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस सभी के लिए 750 है एंड आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे, राइट। सो यस, ये इन्फॉर्मेशंस हैं तो आप अकॉर्डिंगली फॉलो कर लीजिएगा। आप प्रिंट आउट रख लीजिएगा, ये लिखा हुआ शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ पेमेंट रिसीट, एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड, ताकि जब बाद में आपको बोला जाए तो आप दे सके, ठीक है, वहाँ पे। सो यस, बाकी प्रिंटेड कॉपी एडमिट कार्ड के आपको एग्ज़ाम सेंटर में लेकर के जाना होगा। प्रोसीजर में सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसे क्वालिफाई करेंगे तो फिर इंटरव्यू होगा। 70-30 का रेशियो है। क्वालिफाइंग मार्क्स DU RAT में 50% होंगे, 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स होंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे फॉर इंटरव्यू, राइट। बाकी कैटेगरी वाइज अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कितना रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे DU RAT कहाँ होगा तो कैसे, तो देखिए जो भी रूल्स इनके हैं वही फॉलो होंगे, दैट इज़ डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के जो भी रूल्स गाइडलाइंस वगैरह हैं उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा एंड एवरीथिंग। सो पॉसिबिलिटी यही है कि आपको वहाँ जाना होगा, वहीं पे आपको जो एंट्रेंस टेस्ट है वो होगा एंड वहीं पे आपको उसमें पार्ट लेना होगा। एप्लीकेशन स्टार्ट 20 जुलाई से हो चुका है, लास्ट डेट है 5th ऑफ अगस्त। DU RAT फेज़ 1 की जो रिटन टेस्ट होगा उसका जो डेट है जैसा पहले बताया 26th ऑफ अगस्त है, ठीक है। बाकी यस, एनेक्सर 1 के अकॉर्डिंग ही कंडक्ट करवाया जाएगा, सो अभी हम उसको देखते हैं। कौन से कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं तो देखिए DU RAT इज़ एग्जेम्प्टेड ओनली फॉर दोज CSIR, UGC, NET, JRF एंड और हैविंग रिसर्च फेलोशिप। सो देखिए या तो MPhil होना चाहिए या फिर देखिए इसके अकॉर्डिंग तो लिखा है JRF हो आप या फिर फेलोशिप किसी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एजेंसी से आपको मिले, ठीक है, एंड रेगुलर मोड से MPhil किया हो उसी कंसर्न सब्जेक्ट में तभी मिलेगा। लाइट सब्जेक्ट का सीन यहाँ पे नहीं है एंड यस, सिर्फ नेट गेट के लिए आई डोंट थिंक आप एग्जेम्प्टेड हैं, बट एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी ये थी इन्फॉर्मेशन। नाउ ये है नेक्स्ट वन गाइडलाइंस। तो देखिए DU RAT कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर एनुअली होता है जुलाई में, ओके। ये कुछ उसी के बारे में बताया गया है। क्राइटेरिया तो 55% का है बता दिया है, दो फेज़ होते हैं रिटन एंड इंटरव्यू। फिर यहाँ पे मार्क्स के लिए है, देखिए 25% जो क्वेश्चंस होंगे DU RAT में वो ग्रुप ए बोला गया है, मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी के होंगे। 75% जो है वो आपके कोर कोर्स कंपोनेंट से होंगे ग्रुप बी, राइट। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 3 आवर ड्यूरेशन का पेपर होगा। MCQ टाइप होंगे, 10 मार्क्स होगा रिसर्च से, 10 मार्क्स होगा कोर्स से, उसके बाद जो बाकी है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। एंड जो MCQ बेस्ड जितने क्वेश्चंस होंगे सो 10, 10, 20, सो 25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ओके। देन यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशंस हैं। सो या DU RAT की बात करें सो एक ही, जैसे आपने लास्ट ईयर अगर क्वालिफाई किया था तो वो भी वैलिड नहीं होगा। सो एक ही एकेडमिक सेशन के लिए, करंट एकेडमिक सेशन के लिए ही वैलिड होता है। एंड इसके बाद यस, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। DU RAT के लिए ही एप्लीकेशन फॉर्म्स आए हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, एग्जेम्प्टेड ना हो एंड आप अप्लाई करना चाहते हैं बिना नेट गेट के तो आप कर सकते हैं। रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट है, ओके, रिसर्च एडमिशन टेस्ट है बेसिकली, एंड वहाँ पे आपको जा करके देना होगा। फेलोशिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं बताई गई है,
फिलहाल इस नोटिफिकेशन में, एंड जो भी अपडेट होगी फिर आई विल अपडेट यू. फिलहाल के लिए ये था आज का वीडियो, एंड दैट इज़ इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.